दोस्तों, आज हम देखेंगे कि करंट रेशियो क्या होता है और इसका क्या यूज़ होता है। दोस्तों, एनालिस्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट में हमें सबसे बड़ा लॉस तब होता है जब हम वीक बैलेंस शीट की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसलिए हमें हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। करेंट रेशियो से आप कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में जान सकते हैं। इसे वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। ये एक लिक्विडिटी रेशियो है जो हमें ये बताता है कि आप आपके एक साल में आने वाले आपके लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए कितने कैपेबल हो। दोस्तों, अगर करेंट रेशियो 1 या 1 से कम है तो वो कंपनी रिस्की मानी जाती है। अगर कंपनी का करेंट रेशियो 1 है, इसका मतलब होता है करेंट एसेट वो उस कंपनी के करेंट लाइबिलिटीज़ के बराबर है। इस केस में अगर कंपनी को कैश की ज़रूरत पड़ जाती है तो कंपनी को लाइबिलिटीज़ को चुकाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। करेंट रेशियो के हेल्प से हम एक इंडस्ट्री के कंपनीज़ को कंपेयर करते हैं। बेसिकली हम एक कंपनी के करेंट रेशियो को उस इंडस्ट्री के एवरेज करेंट रेशियो और दूसरे कंपनी के करेंट रेशियो से कंपेयर करते हैं। एग्जांपल, आईटी इंडस्ट्रीज़ के 2 कंपनीज़ है, ए लिमिटेड जिसका करेंट रेशियो है 2.5 और बी लिमिटेड जिसका करेंट रेशियो है 1.2। और आईटी इंडस्ट्री के कंपनीज़ का एवरेज करेंट रेशियो है 1.9। इस केस में ए कंपनी की करेंट रेशियो ज़्यादा है, मतलब ए कंपनी उनके लाइबिलिटीज़ को बी कंपनी के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी चुका सकते हैं 1 ईयर में। बट कंपनी बी का करेंट रेशियो एवरेज करेंट रेशियो से भी कम है तो उनको प्रॉब्लम आएगा उनके लाइबिलिटीज़ को 1 ईयर में चुकाने में। दोस्तों, आपको किसी भी कंपनी के करेंट रेशियो के बारे में डिटेल्स मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर मिल जाएगी। यूजुअली अच्छी कंपनीज़ का करेंट रेशियो 1.5 से 3 के आसपास होनी चाहिए। दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको 1 नहीं 3 से 4 रेशियोज़ का कंपेयर करना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।